एंड इट्स फर्दर टॉपिक्स। ठीक है, तो कार्बन अगर देखा जाए तो सिंपली, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास इतना इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बन में सिर्फ इस पूरे टॉपिक में इतनी बात बताई हुई है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन एक टाइम में 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कार्बन एक टाइम में 4 बॉन्ड बना सकता है। और इस कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी, इसका नाम है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, मतलब किसी को भी अट्रैक्ट करके उससे बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी है। और कुछ खास ऐसा कार्बन के अंदर है नहीं। और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है एक बेसिक टेट्रावेलेंट, इसकी वैलेंसी टेट्रावेलेंट का है या फोर कार्बन, फोर वैलेंसी का है, बाद एक ही है। ठीक है, और ये एक बहुत ज़्यादा मतलब बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कार्बन जो है एक बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लूजिंग गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बिटवीन एटम इंक्रीज द फोर्स ऑफ एटम्स रिजल्ट इन द फोर्सेज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अच्छी बात है, दोनों आपस में एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या गेनिंग या लूजिंग कुछ भी होगा, अब लूजिंग होती है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, गेनिंग या शेयरिंग होगी, गेनिंग होगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोई भी बॉन्ड बने उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जो कि एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स को साथ पकड़ के रखता है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ, कि यहाँ पर दो मेजर टाइप्स हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स, के दो मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है, आयोनिक और कोवेलेंट। आपको पता ही कि नॉर्मल बात है, कोई ऐसी खास इसमें है नहीं बात, वरना मैं बताते चलता आपको। ठीक है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी हैं और ये प्रॉपर्टी अलाउ करती है कि कार्बन जो है वो आपको फंडामेंटल फ्रेमवर्क के अंदर पाया जाता है, ब्रांच के अंदर भी है, लीनियर में भी है, ब्रांच में भी है और साइक्लिक फॉर्म में भी है। ठीक है, लीनियर में इसको मिथेन कह रहे हैं, मिथेन लीनियर फॉर्म में। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है, आप इंटर में पढ़ेंगे, अगर आप इंटर केमिस्ट्री पढ़ेंगे मतलब चैप्टर मतलब FSC की पार्ट टू की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आप ज़रूर ये चीज़ें अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रांच अगर हम बात करें तो ये ब्रांच ये है, पेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लिक में हमारे पास कार्बन कैन बी लिंक विद अदर कार्बन बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज शोन बाय अपर, बाय डबल ट्रिपल। ठीक है, डबल ट्रिपल, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसे टाइलीन है, इसको हम इथाइन कहते हैं, और ये इथीन है, इथाइलीन भी कहा जाता है इसको। अब हम टॉपिक पर चलते हैं, वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायो असल असल इस चैप्टर के टॉपिक जो हैं वो ये हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स 4 तरह के हैं, जो हमने क्लासेस में क्लासीफाई कर दिए हैं। प्रोटीन, लाइपिड, ठीक है, लिपिड कह लें आप, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर द ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल। ये सब क्या है? सब के सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन को। ठीक है, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम मज़ीद आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही बात है, एक मिनट। जी यस, प्रोटीन। तो अच्छा, ये मेरी असल में आपको प्रॉब्लम बड़ी हो रही होगी, ये बुक वो है जो मैंने खुद ने यूज़ करी है। ठीक है ना, तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये बुक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो बेसिक जो मैं बता चुका हूँ कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स टू बी नोटेड टू बी, मैंने अपने सर सर से और जहाँ से भी मैंने पढ़ा वहाँ से सीखा, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो सब चीज़ इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे, ठीक है, ताकि आप भी बेनिफिट ले सकें। सो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन, व्हाट आर द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स मींस फर्स्ट रैंक मॉलिक्यूल, मतलब पहला मॉलिक्यूल। क्यों कहा जा रहा है फर्स्ट रैंक? बिकॉज इट इज़ द मेन बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल ही प्रोटीन है, तो इसलिए इसको फर्स्ट रैंक प्रोटियोज मतलब प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, इस प्रोटीन्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ मैं आपको उस तरीके से ही, तो याद रखें, ये हमारा प्रीवियस था, ये बात याद रखें कि प्रोटीन को पढ़ने से पहले आपने क्या याद रखना है, व्हाट आर द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स किस से बने हुए हैं? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? अमाइनो एसिड्स। नाउ व्हाट आर द अमीनो एसिड्स? अमाइनो एसिड आर द ओनली अमाइनो एसिड विथ
अमाइनो ग्रुप, मतलब एसिड विद द अमाइनो ग्रुप, इसको कहते हैं हम एन एच टू ग्रुप। एन एच टू ग्रुप का क्या नाम है? अमाइनो ग्रुप। तो ये ग्रुप जिसके साथ भी जिस भी एसिड का अटैच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अमाइनो एसिड हो जाएगा। कोई भी एसिड के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो अमाइनो एसिड हो जाएगा। तो अमाइनो एसिड जब बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोटीन कहाँ से आता है? तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है बाय टू प्रोसेस। नंबर वन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एंड नंबर टू बाय ट्रांसलेशन के थ्रू। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू। अच्छा, याद रहे कि मैं इस चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको एक डिफरेंट डिफरेंट और एक बहुत अच्छे तरीके के, मतलब हाई लेवल के एमसीक्यूज प्रोवाइड भी करूँगा। तो उसके लिए आपको मेरी जो जितनी वीडियोज़ हैं उनको अच्छे तरीके से देखनी है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है जिससे मैं आगे आपके लिए वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँ कि डीएनए से बनता है आरएनए। क्या बनता है? आरएनए, ठीक है। तो ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, तो ये हो गई ट्रांसलेशन। अब ये आप लेटर नंबर 4 के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्रांसलेशन एंड व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो मैं आपको जनरल एक कॉन्सेप्ट दे रहा था, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब मज़ीद आगे चलते हैं। व्हाट इज़ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द, ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड, वेयर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, लिंक टुगेदर इन अ डेफिनेट मैनर, एक अच्छे तरीके, एक प्रॉपर तरीके में, और एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारा सेल्स की एक्टिविटी करते हैं। अगर देखा जाए तो जो हमने पिछले पीछे पढ़ा था ड्राई बेड ऑफ सेल, अगर हम वाटर को पूरा मतलब वो कर देते हैं, वाटर को एवेपोरेट कर देते हैं, तो जो बचता है उसको हम ड्राई बेड ऑफ सेल कहते हैं। तो उस 50% ड्राई बेड ऑफ सेल के अंदर 50% क्या पाए जाते हैं? हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं 50%। ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो नाम था सबसे पहले वो सजेस्ट किया था बर्जीलियस ने, ठीक है, ठीक है, बर्जीलियस ने, और जो डच केमिस्ट था जीजे मर्डलर, ठीक है, उस दोनों ने 1883 के अंदर इम्पोर्टेंस जो है वो मर्डलर ने ही बताई थी कि प्रोटीन की एज अ वाइटल कंपाउंड के तौर पे। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ है। नाइट्रोजन की फास्फोरस, सल्फर भी कई बार होता है, तो इस ही वजह से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होने की वजह से क्या कहा जाता है प्रोटीन को? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन जो होती है वो एक ज़्यादा फॉर्म में होगी। अच्छी बात है, क्या है प्रोटीन? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर क्या है? अमाइनो ग्रुप है। देखे ना, वो मतलब नॉलेज थोड़ी सी ज़रूरी थी, इन्फॉर्मेशन जो कि समझ में आएगी आपको, तो इसलिए नाइट्रोजन ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन ज़्यादा है तो इसलिए इसको क्या किया जा रहा है? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहा जा रहा है। और प्रोटीन्स एक बिल्डिंग ब्लॉक है टिश्यूज़ के, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे टिश्यूज़ के। मोर कॉमन पार्ट्स ऑफ लिविंग बॉडी सच एज, हमारे मोस्ट कॉमन पार्ट हमारे बॉडी लिविंग बॉडी के, जैसे कि हेयर हो गया, स्किन हो गई, नेल हो गया, फीदर्स हो गए मतलब पर हो गए, ये सब क्या है? प्रोटीन ही प्रोटीन है, प्रोटीन से बने हुए हैं। अब मैं बात अब करता हूँ आपसे सोर्सेज की। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? पल्सिस खाएं, मिल्क, फिश, मीट, एग, दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आपको बताई मैंने प्रोटीन की, किसने सजेस्ट की? जीजे मर्डलर ने इम्पोर्टेंस बताई थी, ठीक है ना, इम्पोर्टेंस बताई थी किसने? जीजे मर्डलर ने। और नाम सजेस्ट किसने किया था सबसे पहले? वो बर्जीलियस ने, ठीक है। अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर अमाइनो एसिड की, और अमाइनो एसिड क्या है? उसका एक सब यूनिट है प्रोटीन का। अच्छा, वो कौन सा बॉन्ड है जिससे जिसमें जो अमाइनो एसिड बनाते हैं एक दूसरे से ताकि वो एक पॉलीमर प्रोटीन बना सकें? तो उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीमर प्रोटीन्स इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। हर एक प्रोटीन के पास एक यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो उनको एक प्रॉपर यूनिक प्रॉपर्टीज देते हैं कि मॉलिक्यूल्स की। मैनी ऑफ द केमिकल प्रोटीन्स, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं,
प्रोटीन की, जो डिपेंड करती हैं किस पे, अमाइनो एसिड पे। ऐसी बात, इस तरीके के अमाइनो एसिड होंगे उस तरीके के ही प्रोटीन बनेगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, और यही 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स बार बार मिल मिलकर, मतलब डिफरेंट फॉर्म में मिलकर, डिफरेंट फॉर्म में मिलकर, लाइक जिस तरह हमारे पास 26 ABCD कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट है ना, वो कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट है 26 27, ठीक है। तो ये मिलकर जिस तरह बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड, इस तरीके से सिर्फ 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ये ही मिलकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं। इसी के 20 बेसिक्स हैं। इस 20 में से याद रखें 10 वो हैं जो असेंशियल हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी, 10 क्या है? असेंशियल हैं, और 10 क्या है? नॉन असेंशियल हैं। व्हाट डू यू मीन बाय असेंशियल, व्हाट डू मीन बाय नॉन असेंशियल? नॉन असेंशियल वो जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, हमारी बॉडी खुद बनाती है, और असेंशियल वो जो हमें बाहर से लेना पड़ते हैं, हमारी बॉडी बाहर से आउटसाइड से लेना पड़ते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनाती, उसको हम असेंशियल कहते हैं, ठीक। अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये समझ में आ गया बात आपको, कि ईच प्रोटीन यूनिक सीक्वेंस ऑफ एसिड बना हुआ है, ठीक है ना। अमाइनो एसिड डेट 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। फ्रॉम वायरस ह्यूमन बींग के हर एक के अंदर यही बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेसिक अमाइनो ग्रुप, ने बताया आपको। और ऐसी बात है, मैंने क्या कहा था आपको कि अमाइनो ग्रुप अगर किसी एसिड को मिल जाए, और एसिड के पास तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले से ही होगा, इसको हम सी डबल ओ एच ग्रुप कहते हैं। तो इसने कुछ इस तरीके से बात करी है कि अगर हम अमाइनो ग्रुप को मिला दें किससे कि हम अमाइनो ग्रुप को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला दें तो उससे क्या बन जाएगी, सेम एटम, ठीक है ना, बॉन्डेड टू द सेम एटम, इसको हम अल्फा कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अब एक मिनट बाद समझें, फॉर एग्जाम्पल से बात करिए कि आपने कार्बन लिया, उस कार्बन से आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच कर दिया और आपने अमाइनो ग्रुप भी अटैच कर दिया। इस कार्बन को कहा जाता है, इस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, ठीक है। इस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कहा जाता है, इस कार्बन क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन कहा जाता है, ठीक है, अल्फा कार्बन कहा जाता है। अब कार्बन की वैलेंसी आपको पता है क्या? 4 होती है। एक जगह से अमाइनो ग्रुप, एक जगह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक जगह से आपने हाइड्रोजन लगा दिया, तो दूसरा जो है ना वो R लगा देंगे। R इज रेडिकल ग्रुप, मतलब यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड लगाते रहें और आपको डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलता रहेगा, ठीक है। डिफरेंट अमाइनो एसिड आपको मिलता रहेगा। मजे आगे चलते हैं हम, देख इस तरह आपको एग्जाम्पल बुक में दी हुई है, आप पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगी आपको ये बात सारी, ठीक है। 20 बेसिक अमाइनो एसिड इन सब वही बात में बातें जो मैं बता चुका हूँ आपको। आर, अब अगर आर में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आर की जगह पे हाइड्रोजन होगा तो ये क्या होगा? ग्लाइसिन। अगर रेडिकल ग्रुप की जगह पे CH2OH होगा, मिथिलीन अल्कोहल, तो ये बन जाएगा सेरीन। और अगर ये CH3 होगा तो ये मतलब के मिथाइल ग्रुप होगा, तो ये बन जाएगा एलानिन। तो ये याद रखें, दीज आर द MCQs, कि क्या लगेगा और क्या बनेगा। अगर हाइड्रोजन लगता है तो ग्लाइसिन, अगर हाइड्रोजन लगता है तो ग्लाइसिन, अगर CH2OH लगता है तो सेरीन, और अगर OH CH3 लगता है तो एलानिन। एलानिन तो आई थिंक आया हुआ भी है पास्ट के अंदर, ठीक है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं, लिंकेजेस ऑफ द अमाइनो एसिड में। तो लिंकेजेस ऑफ अमाइनो एसिड अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड के लिंकेज कहाँ बन रहे हैं, किसके दरमियान बन रहे हैं? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, हर ईच अमाइनो एसिड बिकम जॉइंट टू अदर अमाइनो एसिड। हर एक अमाइनो एसिड जो होगा वो पिछले दो अमाइनो एसिड से ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक अमाइनो एसिड था, अब इसको ज्वाइन होना दूसरे अमाइनो एसिड से भी और पहले अमाइनो एसिड से भी, ताकि दो बॉन्ड बनाना पड़ेंगे ना, ताकि चेन बनाए, उस चेन बनाने के लिए दो बॉन्ड बनाना पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है, ताकि ये बन जाएगी चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। पेप्टाइड समझ लें आप, 10 प्रोटीन 10 अमाइनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बना सकते हैं, और 3 अमाइनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बना सकते हैं। पेप्टाइड डिपेंड करता है, मतलब कंपनीशन ऑफ सिर्फ अमाइनो एसिड ही है और कुछ नहीं। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ये अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं दूसरे से बाय कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। कंडेंसेशन प्रोसेस बताया मैंने आपको कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा।
ठीक है ना। अच्छा ये आपके पास एग्जांपल है, ये देखें कि ये एक था आपके पास एग्जांपल है, ये एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड और चौथा अमीनो एसिड, ये चार अमीनो एसिड चेन बनाई है इन लोगों ने, जिसमें अ लॉन्ग चेन इज फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज, ये आपको दिखाया हुआ है इसके अंदर। आप तरीके देखें ये पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज किसी दरमियान में बना है, सी ओ एच कार्बन ऑफ द सी ओ एच ग्रुप एंड द अमाइनो ग्रुप के दरमियान, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है, ठीक है ना। लाइक जो बॉन्ड बना है मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद कुछ सिंपल करके, आप समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल समझे आप मेरी बात कि आप जो है वो आ गए हैं इधर, मतलब आपके पास ये था एक कार्बन, यहाँ पर आपके पास था अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर आपके पास था सी डबल ओ एच ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आर और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये थे आपके पास एक अमाइनो एसिड, आपने इसको ही कनेक्ट किया दूसरे अमाइनो एसिड से, तो यहाँ क्या होगा अमाइनो ग्रुप एंड सो फार, और इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको मैं शो करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ओ एच, और ये मैंने दोबारा कार्बन दिया, ऊपर हाइड्रोजन दिया, नीचे आर दिया, और वही और दोबारा इसको मैंने क्या दे दिया, एक मिनट, और दोबारा इसको मैंने क्या दे दिया, मैंने एन एच टू दे दिया इसको, ठीक है। तो अब जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ इन दोनों के दरमियान, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, इसको क्या कहूँगा मैं, क्या कहूँगा इसको मैं, जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है इसी को कहा जा रहा है मेरे भाई पेप्टाइड लिंकेज, किसको कहा जा रहा है, इसको ही कहा जा रहा है पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है, ये और बना पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज बना कहा जाता है, पेप्टाइड लिंकेज समझ में आई अब टाइट अप सारा, ठीक है, मजीद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से ओवल एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन एग, मतलब ओवल एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे एग के अंदर प्रेजेंट होता है, किस में होता है, एग में प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखने की है, ठीक है ना, ये बात याद रखने की है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन और अमाइनो ग्रुप, आर बी सी कंटेन हीमोग्लोबिन इन एंटीन, आर बी सी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, एक्टिन मायोसिन फॉर्म्स मसल्स, मतलब मसल्स के अंदर प्रोटीन होता है एक्टिन मायोसिन, प्रोटीन हैव लेस एनर्जी शुगर, प्रोटीन के पास थोड़ी सी कम एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू लाइपिड्स, मुझे लगा चलते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज शो करा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये अमीनो एसिड था जिसका अमीनो एसिड जिसका चौथा अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज, ओके डन, पेप्टाइड लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज डन। आगे बढ़े मज़ीद हम, द प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड विद यूजुअली मोर देन 100 अमीनो एसिड, बट सम प्रोटीन्स आर स्मॉल इन साइज, बस कम होते हैं, कुछ के पास ज़्यादा हो सकते हैं, अमीनो एसिड का कोई मसला नहीं है। द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन द पेप्टाइड चेन इज स्पेसिफिक फॉर ईच प्रोटीन एंड पोटेंशियली कैपेबल ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, प्रोटीन में डिफर इन नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन पर प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के अगर हम देखें तो चार स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, नंबर वन हमें प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी और उसके बाद क्वार्टरनरी। प्राइमरी में याद रखें कि लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड अगर लीनियरली मिल रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसके जिसमें हमारे पास क्या है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड की स्पाइरली कॉइल्ड हो जाए, क्या हो जाए स्पाइरली कॉइल्ड हो जाए, सॉरी स्पाइरली कॉइल्ड होगी इस वे में, तो क्या बन जाएगा सेकेंडरी, ठीक है, स्ट्रक्चर बन जाएगा हेलिक्स की फॉर्म, कहते हैं हेलिक्स हेलिक्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड्स के अंदर होंगे, इसकी एग्जांपल है हेयर्स हमारे और स्पाइडर वेब, ठीक स्पाइडर वेब। टर्शियरी में हमारे पास क्या है कि जो थ्री डायमेंशन फॉर्म है, थ्री डी फॉर्म होगी, क्या होगी थ्री डी फॉर्म होगी, इसकी एग्जाम्पल क्या लाइसोजाइम, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। और क्वार्टरनरी में क्या है कि जब ये थ्री डी या जो टर्शरी है वो और ज़्यादा सब यूनिट क्या हो जाए लार्ज साइज में हो जाए और ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो उसको हम क्वार्टरनरी कहते हैं, इनटू अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड लार्ज साइज मॉलिक्यूल क्वार्टरनरी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास हीमोग्लोबिन, जो कि ग्लोबिन प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखें हीमोग्लोबिन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फाइब्रिन इज अ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड,
ठीक है, वन आर बी सी हैव 300 300 अमाइनो एसिड, एक आर बी सी के बाद 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये कंपनसेट मतलब अप्रोक्सीमेट बात है। वी टेक असेंशियल प्रोटीन बाय मील पल्सेस मशरूम्स, 1 मिलियन सेल कंटेंट 10,000 प्रोटीन्स रखता है 1 मिलियन सेल। ठीक है, प्रोटीन एक्सेलरेट मेटाबॉलिक एक्शन को एक्सेलरेट करता है। अच्छा, हेमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू सम ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू टिश्यूज़, जबकि मायोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू मसल्स। मायोग्लोबिन भी ये देखें, ठीक है, उसमें याद रखें आप। 37 केल्विन बॉडी टेम्परेचर इफ द सिमिलर यूनिट पार्टिसिपेट कॉल्ड, बॉडी टेम्परेचर 37 केल्विन है वो बताएं, अगर सिमिलर यूनिट मिल रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो होमोजीनियस, और अगर सिमिलर मिल रहे हैं तो उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। सिर्फ इसमें ये बात कही जा रही, कोई खास बात इतनी काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में, तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन्स हैव अ वैरायटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दे परफॉर्म वेरिएटरी फंक्शन, वेरिएशन ऑफ द फंक्शन, बहुत वेरिएबल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोल मॉलिक्यूल्स हैं जो कैरी आउट द सेलेक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमारी, ठीक है, सेलेक्टिविटीज़ कर रहे हैं और मेन स्ट्रक्चर को सेल बना रहे हैं। टिपिकल मिलियन सेल 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो प्रोटीन्स को, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल भी, दोनों के दोनों तौर पर। इस एंजाइम प्रोटीन फास्टली एक्सेलरेट द रेट ऑफ मेटाबोलिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। अगर मैं एंजाइम के तौर पर बात करता हूँ प्रोटीन को, बिकॉज आल एंजाइम मोस्टली आल प्रोटीन्स आल एंजाइम मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, मतलब मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनियस ही होते हैं। तो उसमें मैं बात करूँ तो प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, कि प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, कि प्रोटीन एक्सेलरेट कर रहे हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस को। और अगर एक हार्मोन की बात करता हूँ, लेकिन इंसुलिन एक हार्मोन है, वो भी एक प्रोटीन ही है। तो ग्रोथ फैक्टर्स, जीन एक्टिवेटर, प्रोटीन परफॉर्म बाय डेट ऑफ, बहुत सारा फंक्शन है इसके, ठीक है ना। बहुत फंक्शन है। ट्रांसपोर्टर के तौर पर प्रोटीन ने डिटरमाइन करता है कि व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस शुड एंटर और लीव द सेल। ट्रांसपोर्टर के तौर पर प्रोटीन एक्ट एज एंटीबॉडी के तौर पर भी एक्ट करता है, एंटीजीन के तौर पर भी एक्ट करता है, और फाइब्रिन के तौर पर भी एक्ट करता है, ठीक है। ये बात याद रखी जाए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, वो भी याद रख लें आप, कि द रेशो ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल वाटर 2:1 इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज इंक्लूडेड इन द कार्बोहाइड्रेट विच इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। अब मैं बता रहा हूँ एक पहले से बात, कार्बोहाइड्रेट का उसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन। वो क्यों है, किस वजह से है, उसका रीज़न मैंने इस वीडियो में दे दिया है आपको, और नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।